हेलो दोस्तों, तो आज हम आपके साथ एक दूसरा मेथड लेके आए हैं मीन निकालने का, जो है आपका एज्यूम्ड मीन मेथड। सीधे हम प्रॉब्लम को ले लेते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ ए फैक्ट्री, फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स। अब देखिए है क्या कि डेली वेजेस आपको दिए गए हैं, जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है आपके 14.1 एक्सरसाइज में, और नंबर ऑफ वर्कर्स आपको दिए हुए हैं इसमें। तो नंबर ऑफ वर्कर्स में दिए हुए हैं आपको 12, 14, 8, 6 और 10, और टोटल वो जो है वो 50 हैं। तो वो है आपका सिग्मा एफ आई, इसको हम एन भी बोलते हैं। अब देखिए, अब जो फार्मूला हम यूज करते हैं, अब तक जो हम फार्मूला यूज कर रहे थे वो फार्मूला था सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। लेकिन जो एज्यूम्ड मीन मेथड है उसमें हम एक दूसरा फार्मूला यूज करते हैं, वो है आपका एक्स बार इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस एच इंटू यू बार। ओके, अब ये है क्या, देखिए ये तो आपका एज्यूम्ड मीन है, एच है आपके पास जो ये इंटरवल दिया हुआ है, इस इंटरवल के बीच का डिफरेंस। जैसे यहाँ पर जो डिफरेंस है वो 20 का है, तो यहाँ पर 20 लिखेंगे हम, और यू बार हम कैलकुलेट करेंगे। हम यू बार कैसे कैलकुलेट करके उसको देख लेते हैं। यू बार कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ओके, सिग्मा एफ आई तो आपको पता ही है ये 50 है, तो मतलब इसकी यहाँ पर तो 50 यूज़ होना है। अब ये सिग्मा एफ आई यू आई क्या है, अब देखिए एफ आई तो ये है, अभी यू आई क्या है आखिर। अब देखिए यू आई के लिए हमको सबसे पहले यहाँ पर निकालना है, ये जो चीज़ हमको निकालनी है वो है निकालनी है डी आई। डी आई है आपका एक्स आई माइनस एज्यूम्ड मीन। अब ये एज्यूम्ड मीन क्या है, जितनी भी ये फ्रीक्वेंसीज दी गई हैं, इस फ्रीक्वेंसी में, इस फ्रीक्वेंसी को तो आपने यूज कर लिया सिग्मा एफ आई निकालने के लिए। अब है डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, लेकिन इसके लिए हमारे पास अभी एक्स आई भी नहीं है, तो एक्स आई निकालना पड़ेगा पहले हमको। यहाँ पर एक्स आई निकाल लेते हैं, तो एक्स आई का जो कॉलम है, एक्स आई है बेसिकली इन दोनों के बीच का सेंटर, जो है हमारे इस केस में है 510, 530, 550, 570 और 590। ओके, अब हमको निकालना है डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। अब देखिए इसमें से हमको ये जो हमको एक्स आई मिले हैं, इस एक्स आई में से हमको एक मीन एज्यूम करना है। अब मीन एज्यूम आप कोई सा भी कर सकते हैं, बेसिकली हम बीच का करते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर तो हमको ठीक सेंटर में मिला, लेकिन इन केस जैसे हमारे पास यहाँ पर देखिए 5 फ्रीक्वेंसीज हैं, तो 5 फ्रीक्वेंसीज में तो ठीक है कि जो तीसरे नंबर का है वो हमने सेंटर में ले लिया, लेकिन अगर 6 फ्रीक्वेंसीज हो जाती हैं तो 6 फ्रीक्वेंसीज में आप तीसरे या चौथे नंबर में से कोई सा भी ले सकते हैं। तो इस केस में हम लेते हैं, इसको ले लेते हैं एज्यूम मीन। अब आपके पास है डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, तो 510 माइनस 550 जो होता है आपका माइनस 40, माइनस 20 ये हो गया आपका 0, ये हो गया 20 और ये हो गया 40। ओके, सिंपल है कैलकुलेशन। तो देखिए अब निकालना है हमको यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस एज्यूम्ड मीन अपॉन एच। एक्स आई माइनस ए हम पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं, एच से आपको इसको डिवाइड करना है। एच की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 20 है, जितने का भी ये डिफरेंस होगा। अगर ये 500 से 510 होता है तो ये 10 डिफरेंस है। इस केस में हमारे पास ये 520 ऋण 500 या 520 माइनस 500 इज इक्वल टू 20 है, तो 20 से इसको डिवाइड करने तो हो गया माइनस 2, माइनस 1, 0, 1 और 2। ओके, हमारे पास यू आई आ गया, हमको ज़रूरत है यू आई की और एफ आई की, सिग्मा एफ आई यू आई। मतलब अब आपको निकालना है एफ आई इंटू यू आई, एफ आई इंटू यू आई निकालना है, और यहाँ पर हमको निकालना है सिग्मा एफ आई यू आई। ऑलराइट, अब देखिए मल्टीप्लाई करना है एफ आई को यू आई से, 12 माइनस 2 24 मल्टीप्लाई करना है, माइनस 14 ये हो गया आपका 0, ये हो गया 6 और ये हो गया 20। ये सबका कैलकुलेशन कर लेते हैं इन दोनों को जोड़ के, और इसमें घटा लेते हैं तो जो आएगा आपका माइनस 12। ऑलराइट, अब देखिए सिग्मा एफ आई यू आई की वैल्यू हमने निकाल ली है माइनस 12, तो यहाँ पर इसको रख दीजिए। अब इस फॉर्मूला का यूज करना है हमको मेनली, तो एक्स बार इज इक्वल हो गया एज्यूम्ड मीन, हमको एज्यूम्ड मीन हमने माना हुआ है ये 550 प्लस एच, एच हमारे पास है आपका 20 इंटू माइनस 12 अपॉन 50, ये सबका कैलकुलेशन करके आ रहा है 550 माइनस, देखिए जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, माइनस 24 डिवाइडेड बाई 4, तो जो लगभग आ रहा है आपका 4.8, ये हो गया आपका 545.2। तो ये आपकी जो मांग रहा था कि फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स, तो ये हमारा जो मीन आ रहा है वो आ रहा है 540 रुपीज़ 20 पैसे। राइट,
अब जो एज्यूम्ड मीन मेथड है, इसी की तरह डायरेक्ट मेथड भी है। डायरेक्ट मेथड बेसिकली इजी होता है, लेकिन अगर आपको एग्जाम में स्पेसिफिक गिवन है कि भाई आपको एज्यूम्ड मीन मेथड ही यूज़ करना है, तो आपको ये यूज़ करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही ईजी है। आप थोड़ा एक बार ये स्टेप्स देख लेंगे और ये फॉर्मूला आपको याद करना है, ये वाला। और इस फॉर्मूले में आपको जो ध्यान रखने वाली बात है कि ये यू बार कैसे निकालना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यू आई के कैलकुलेशंस कैसे आप करेंगे और डी आई कैसे कैलकुलेट करेंगे। एज्यूम्ड मीन, एज्यूम आपको कोई भी मीन करना है एक्स आई में से, बेसिकली सेंटर का होगा। अगर आपके पास ऑड हैं अगर फ्रीक्वेंसीज, तो अगर इवन फ्रीक्वेंसीज है तो आप सेंटर की दो में से कोई सी भी दो उठा, कोई सी भी ले सकते हैं, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, राइट।